हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं? मैं दयानंद और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल दया टेक हिंदी में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सुपर पावर तरीका से बरसात को रोक के दिखाने वाला वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप बरसात के बूंदे को अपने सुपर पावर की मदद से हवा में रोक सकते हैं। नहीं समझे? आज मैं आपको कुछ इस तरह से वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। इसे देख सकते हैं आप कितने परफेक्ट तरीका से आप बारिश को रोके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज का नया रेन स्टॉप वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। मैं इसमें जो भी यूज करूँगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके ट्यूटोरियल पे। सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है। 900 का आपको फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर देख सकते हैं मीडिया का ऑप्शन दिखाई देगा, इस मीडिया वाले आपको क्लिक करना है और आपको कैमरा वाला फोल्डर को ओपन करना है और जो आपने भी रिकॉर्डिंग किया है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ऊपर से ओके करना है। अगर वीडियो पे कोई ऑडियो ऐसे हटाने हैं तो वीडियो को टच करना है, स्पीकर पे क्लिक करना है, यहाँ से ऑडियो को म्यूट कर देना है, उसके बाद ऊपर से ओके करना है। वीडियो की स्टार्टिंग में आना है और इसमें जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, स्टार्टिंग कोई एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटाना है तो वीडियो को टच करना है, कैंची पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में कट करना है, ऊपर से ओके करना है। अगर लास्ट में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटाना है तो वीडियो को प्ले करना है, जहाँ से हटाना है वहाँ पर वीडियो को रोकना है, वीडियो को टच करना है, कैंची पे क्लिक करना है, यहाँ से राइट साइड में कट करके हटाना है, ऊपर से ओके करना है। वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। अब इसमें आपको बरसात वाला वीडियो फुटेज लगाना है, इसके लिए लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपको बरसात वाले वीडियो फुटेज को यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसको खींच के फुल स्क्रीन कर ले या फिर कैंची के बगल में स्प्लिट स्क्रीन है इस पर क्लिक करके आपको फुल स्क्रीन करना है, उसके बाद ऊपर से ओके करना है। अब आपको जो ग्रीन स्क्रीन है उसको हटाना है। ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए आपको वीडियो फुटेज पे टच करना है, इधर स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको क्रोमा की ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, यहाँ से इसको एनेबल करना है और ये दो पॉइंट है इसको आगे पीछे करके एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर से ओके कर देना है। तो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको बारिश बूंद है वो हरा कलर का है, इसको हटाना है यानी इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। तो वीडियो फुटेज को टच करना है, इधर स्लाइड करके कलर फिल्टर में आना है, यहाँ से आपको बेसिक सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन पर चूज करना है, उसके बाद ऊपर से आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपका जो बारिश बूंदे है वो पूरा ओरिजिनल लुक है। अब वीडियो को प्ले करके आपको मैच कर लेना है कि जो आपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया वो और जो आपने बरसात वाला वीडियो फुटेज लगाई वो सही से मैच हो रहा है नहीं, आप जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं उसी तरह से आपको इसमें मैच करना है। अगर मान लीजिए इसमें मैच नहीं हो रहा है तो आपको वीडियो अपने वीडियो को टच करना है, इसका स्पीड पे जाना है और इसका स्पीड हल्का सा बढ़ा देना है। इसके बाद बढ़ाने के बाद अब ऊपर से ओके कर देना है। अब आपको वीडियो को प्ले करके देखना है कि सही से मैच हुआ है नहीं। अगर फिर भी मैच नहीं होता है तो जो आपने अभी बरसात वाला वीडियो फुटेज लिया है उसको आप कट करके आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, कट करना है और आपको मैच करना है। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अच्छी तरह से मैच हो चुका है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि बारिश जो बूंदे है वो हल्का है, इसको क्या करना है डुप्लीकेट कर दे, थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर दे। इससे क्या हो कि आपका जो बारिश बूंदे है वो पूरा घना हो जाएगा यानी ज़्यादा मात्रा पे गिरेगा। अब क्या करना है, नीचे वाला वीडियो फुटेज टच करना है और उसको स्लाइड करना है, तो आगे पीछे करके स्लाइड कर देना ताकि ऐसा लगे कि आपका जो वीडियो फुटेज उसमें हैवी बारिश हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर कितना परफेक्ट तरीका से मैंने सेट किया है। आप इसमें अलग से भी वीडियो फुटेज लगा सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसे और भी वीडियो फुटेज को ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें थंडर इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो थंडर इफेक्ट का भी मैं वीडियो फुटेज अपने डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर वीडियो रोकना है जहाँ पर आप इस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं नीचे बारिश गिराने का, ठीक है, इसी जगह से क्या करना है आपको कट लगाना है। तो वीडियो फुटेज को टच करना है, कैंची पे क्लिक करना है, राइट साइड में कट कर हटा देना है और सेम इसी तरह से नीचे वाला वीडियो फुटेज को भी टच करना है, कैंची पे क्लिक करना है, राइट साइड में कट करके हटा देना है, ऊपर से ओके करना है। अब जो लास्ट में जो बचा हुआ है इसमें आपको ये जो फर्स्ट वाला जो वीडियो फुटेज है जो स्टार्टिंग में इसको कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है। इसके लिए क्या करना है, डुप्लीकेट करके आपको इधर स्लाइड करना है, तो इस पर टच करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है और जो नीचे डुप्लीकेट हुआ है इसको स्लाइड करके इधर खिसका देना है ताकि ऐसा लगे कि जब आप हाथ नीचे करेंगे तो बारिश दोबारा से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं आप इसमें डुप्लीकेट करके भी बारिश के जो क्वांटिटी है मात्रा है उसको बढ़ा सकते हैं डुप्लीकेट करके, या फिर अलग से कोई दूसरा बारिश वाला वीडियो फुटेज को जोड़ सकते हैं। उसका सेव करने के लिए शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और नीचे आपको एक्सपोर्ट बटन है, यहाँ से एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना है।
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया। पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, गुड नाइट।